हेलो नमस्ते, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम ठीक होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ यहाँ पे इस तरह से जो वेस्ट और क्लॉथ हमारा रहता है उसका, और उसके साथ साथ यहाँ पे हमारे जो पुराने सूट में से जो फॉर्म सीट निकलती है शर्ट में से, उसी का भी यूज़ मैंने यहाँ पे किया है, वो भी मैंने रीयूज़ किया है। तो इस तरह से मैं ऑल्ड टोटल चीज़ें जो वेस्ट और हमारी होती है उसी ही ली है। तो यहाँ पे मैंने शॉपिंग बैग और फॉर्म सीट और उसके साथ लेफ्ट और क्लॉथ लिया है, और उसका मेज़रमेंट है 16x यहाँ पे इस तरह से, और हमारा मेज़रमेंट बनता है 16x17। तो अब हमें क्या करना है, जो हमारा पार्ट हमने लिया है उसी मेज़रमेंट के हमें यहाँ पे फॉर्म सीट को लेना है। तो फॉर्म सीट के जो मेरे पास थे वो टुकड़े टुकड़े से इस तरह से थे, तो मैंने यहाँ पे इससे 1x1 सेट करते हुए इसे अटैच किया है, ये देखिए। और उसके ऊपर हमें शॉपिंग बैग और इस कपड़े के साथ इसे अटैच करने के बाद हमें इसे स्टिच कर लेना है एक साथ, और फिर सेट तीनों को साथ में सेट करके हमें उसके ऊपर क्विल्ट कर लेना है। तो ये देखिए हमारे पार्ट क्विल्ट होके रेडी है, और उसका अब क्विल्ट होने के बाद मेज़रमेंट बनता है इसका 14x16। और इसी मेज़रमेंट के हमें दो पार्ट रेडी करने हैं। तो हमारे दोनों पार्ट बन के रेडी है, क्विल्ट होके रेडी हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पे नीचे की साइड कॉर्नर में से हमें यहाँ पे 3 इंच पे मार्किंग करनी है, दोनों साइड से 3-3 इंच लेना है। ये देखिए हमें कॉर्नर बनाया है 3-3 इंच पे मार्किंग करके, सेम टू सेम इसी तरह हमें दूसरी साइड भी कट कर लेना है। दोनों पार्ट में हमें इसी तरह कॉर्नर को कट कर लेना है 3x3 इंच पे। अब हमारा नीचे का पार्ट जो है वो कट होके रेडी है। अब हमें क्या करना है, तो इसी तरह हमें नीचे की साइड से, जो नीचे की साइड हमारा कॉर्नर है वहाँ से हमें ऊपर की साइड यहाँ पे 2 इंच पे मार्किंग करना है, फिर नीचे की साइड से ऊपर की साइड तक हमें इस तरह से क्रॉस में लाइन बना लेनी है, मार्किंग कर लेनी है, और फिर वहाँ पे जो हमने मार्किंग किया है वहाँ पे क्रॉस में हमें कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से सामने की साइड भी हमें कट कर लेना है। अब हमारा ये पार्ट बन के रेडी है। अब सेम टू सेम इसी तरह हमें दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लेना है। यहाँ पे देखिए नीचे की कॉर्नर की साइड और ऊपर की साइड, और उसके बाद हमें 12 इंच की एक जिप लेनी है, और फिर हमें जिप लेने के बाद एक और शॉपिंग बैग का पार्ट लेना है, और जहाँ पे हमें जिप को सेंटर में अटैच कर लेना है यहाँ पे इस तरह से, जो हमारा जिप को यहाँ पे शॉपिंग बैग का जो पार्ट है उसे हमें सेंटर में अटैच कर लेना है, फिर प्रेस स्टिच कर लेनी है। और उसके बाद हमें रनर को अटैच कर लेने के बाद यहाँ पे जो हमारा पार्ट हमने रेडी किया है उसे, जिप वाले पार्ट को जो हमने रेडी किया है उसे इस तरह से ऊपर की साइड से हमें पूरे में नीचे की साइड अटैच करके जाना है। तो हमारा पार्ट अटैच करके रेडी है। अब हमारा ये पॉकेट बन के भी रेडी है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें दो स्ट्रिप और लेनी है, और दोनों स्ट्रिप का मेज़रमेंट मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे इस तरह से हमारा मेज़रमेंट है 21x3 इंच है। तो अब हमें इन दोनों स्ट्रिप को इस तरह से सेंटर में फोल्ड कर लेना है, 1 फोल्ड 2 फोल्ड और 3 फोल्ड, और फिर इसके ऊपर हमें स्टिच लगा लेनी है। इस तरह से बेल्ट हमारे बन के रेडी है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा ऊपर की साइड का पार्ट है वहाँ पे हमें इस तरह से मेज़रमेंट लेके, आप अपने अकॉर्डिंग मेज़रमेंट ले सकते हैं, यहाँ पे मैंने 3 इंच लिया है, और उसे हमें यहाँ पे इस तरह से अटैच कर लेना है, और इसे हमें दोनों साइड मेज़रमेंट लेके इसे अटैच करने के बाद हमें जिप को भी अटैच कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमें जिप को उल्टा, और फिर यहाँ जो हमारा पार्ट है उसे भी इसके ऊपर उल्टा रखना है, दोनों आमने सामने सीधा होगा और इस तरह से बाहर की साइड उल्टा रहेगा। तो हमें एक साइड जिप को अटैच कर लिया, इसी तरह हमें दूसरी साइड भी इसे अटैच कर लेना है, और उसके बाद हमें तीनों साइड से हमें इसे पैक कर लेना है। ये देखिए एक साइड, नीचे की साइड और दोनों साइड हमें पैक कर लेना है। अब जो हमने कॉर्नर कट किए थे वहाँ पे भी हमें इस तरह से कॉर्नर को पकड़ के स्टिच कर लेने। तो ये देखिए हमारा बहुत ही प्यारा सा बैग बन के, हैंड बैग बन के रेडी है। तो दोस्तों आपको हमारा ये सारी चीज़ें वेस्ट वाली थी जो हमारे, उसे रीयूज़ करके बहुत ही प्यारी चीज़ बनाई है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और दोस्तों आपके सपोर्ट की हमें बहुत ही ज़रूरत है, तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ फटाफट से इसे शेयर कर दीजिए। ऐसे ही कुछ नए नए आइडियाज़ लेके हम रोज़ मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही आइडिया के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा, नमस्ते।